हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको ये वीडियो में मोटो G4 प्लस का ऊपर कैसे आप डार्क थीम इनेबल कर सकते हैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो के पहले मैं मोटो G4 प्लस का ऊपर रूटेड एक वीडियो बनाया था कैसे आप रूट कर सकते हैं, तो वो वीडियो में गया जाकर क्या हुआ था, तब मैं ये डार्क थीम इनेबल किया था। तो उसमें यूज करने का टाइम काफी सारे लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया था, एक वीडियो बनाए कैसे आप डार्क थीम इनेबल किया आपके फोन के ऊपर, तो आज हम वो ये वीडियो में बताऊंगा। बट ये मेथड फॉलो करने के लिए आपका फोन रूटेड होना चाहिए और उसके साथ अगर ऑडियो होगा तो अच्छा होगा, नगर में भी ठीक ठाक काम चलेगा। और उसका साथ और एक बात, ये जो मेथड आपको बताऊंगा सिर्फ मोटोरोला G4 प्लस के ऊपर ही नहीं है, ये आप चाहे तो मोटो का किसी भी डिवाइस, उसके साथ Xiaomi हो, Asus हो या Samsung हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर काम कर सकते करेगा। बट सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, आपका डिवाइस रूटेड होना चाहिए। तो आपका डिवाइस अगर रूटेड है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैं और एक ट्राई कर रहा हूँ अलग सा वीडियो बनाने जिसमें आप ट्राई, मैं अभी टेस्टिंग के ऊपर है वो ऑप्शन, जिसमें आप चाहे तो आपका किसी भी डिवाइस को ब्लैक थीम इनेबल कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में वो वीडियो आएगा, अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल रहेगा तो तब तक आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो का लास्ट तक हमारे साथ ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बजा दीजिए, मेरा आने वाली इस तरह का वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो, अनबॉक्सिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो मिलने के लिए। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फ़ोन रूट होना चाहिए, तो रूट करने का जो वीडियो है वो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, उधर से आप आपका फ़ोन रूट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो मेथड है ये सिर्फ मोटो G4 प्लस के लिए ना, मोटो का सभी डिवाइस में ये एप्लीकेबल है। उसके साथ अगर आपका फ़ोन Asus ZenFone Max Pro M1 यानी M2 उस तरह का स्टॉक रॉम का साथ नियर अबाउट आता है, उस फोन में भी काम करेगा। उसके अलावा Xiaomi का फोन एंड मोटोरोला का, सॉरी Samsung का फोन, इस तरह का फोन में भी ये थीम अप्लाइकेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा फोन का पर ऊपर कोई थीम अप्लाई है या नहीं है। तो आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो इधर आपको देखेगा डिवाइस थीम का कोई ऑप्शन इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं मेरा डिवाइस का ऊपर कोई थीम अप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर सबस्टेटम थीम इंजन को डाउनलोड करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सबस्टेटम थीम का, तो इसको डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे इसको, तो आपको इधर एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको रूट ग्रांट करने का ऑप्शन देगा। अगर आप उधर रूट ग्रांट कर रहे हो तो इस तरह का डिस्प्ले नहीं आएगा। अगर आपका रूट पॉपअप ग्रांट करने का ऑप्शन नहीं आता है तो उस टाइम आपको आपका डिवाइस रूटेड होने पर जो मैजिस का जो एप्लीकेशन आ जाता है मैजिस मैनेजर को, उसको ओपन कीजिए। उसको ओपन करने का बाद आप इधर आकर सुपर यूजर का अंदर जाकर इधर आप देख सकते हैं आपका सबस्टेटम थीम का ऑप्शन आ गया, तो इसको जस्ट इनेबल कर देना है। अगर आपका इधर सबस्टेटम थीम का ऑप्शन नहीं आता है तो इंस्टॉल करके एक बार आप आपका फ़ोन को रिबूट कर लीजिए तो आपको ये आ जाएगा, काफ़ी हद तक आ जाता है एक रिबूट करने पर। नेक्स्ट, आपको जब आपका रूट हो ग्रांट हो जाएगा परमिशन, उसके बाद आप सबस्टेटम थीम जब ओपन करोगे, एक बार इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है, तो जब नेक्स्ट ओपन करोगे तो आपको देखेंगे इस तरह का रूट एक्सेस होने का एक पॉपअप आएगा, तो इस तरह का लेआउट आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं साइज ऑडियो थीम नाम का एक थीम इधर आ चुका है जो मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ और ये भी प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप उधर से इसको डाउनलोड कीजिए। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशन कौन है, इधर मैं ऑडियो थीम साइज ऑडियो थीम ये देखिए ये वाला जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। देन आप ओपन कीजिए इसको, ओपन करने पर आपको इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा, तो इसमें जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। नेक्स्ट आने होगा आपको, आना होगा इधर, इधर आकर आपको सबसे पहले कलर चूज करना है, इधर जो टेक्स्ट होगा उसके साथ जो आइकन होगा वो कौन सा कलर में है। तो सपोज मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला चूज कर रहा हूँ, उसके साथ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में आपको तीन तरह का देखने को मिलेगा। फर्स्टली जो डिफॉल्ट होता है एकदम ब्लैक, उसके साथ एक आता है डार्क, डार्क यानी ग्रे कलर के ऊपर, और लास्टली आता है ट्रांसपेरेंट। मैं आपको तीनों थीम का आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट को सेट कर लेता हूँ, तो सभी में इनेबल हो चुका है, देख सकते हैं कौन कौन ऐप्स के ऊपर कौन कौन सिस्टम के ऊपर ये इनेबल होगा। देन आपको
इधर 3 डॉट है, इधर आना पड़ेगा। इधर नहीं आने पर भी होगा, आपको इधर से भी कर सकते हैं, ये एरिया में गोल वाला से, तो उसमें जाकर इधर ये जो है इसको अगर डिजेबल है तो इसको इनेबल करने पर आपको बिल्ड एंड इनेबल कर देना है। तो आपको कुछ टाइम ये लोड होगा, लोड होने का बाद आपको देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको पर थीम अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो लोड होने देता है तो देख लेते हैं मेरा फ़ोन के ऊपर अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। एक बार इस तरह का होगा, कंप्लीट सिस्टम यूआई रिबूट होगा, तो देन आपको एक बार जाना पड़ेगा इधर। देख सकते हैं मेरा फ़ोन के ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, क्या लिखा रहा है इधर, रिबूट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड। तो आपको एक बार आपका फ़ोन को रिबूट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ़ोन रिबूट हो चुका है, तो फ़ोन को एक बार ओपन करके देखते हैं अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, तो आपको देख सकते हैं इधर अभी तक अप्लाई हुआ नहीं है। तो आपको एक बार डिस्प्ले के अंदर जाना है, इधर देखना है इधर आया है क्या नहीं है। एक बार अगर नहीं आता है तो फिर एक बार ओपन कीजिए सबस्टेटन थीम, देन फिर एक बार अप्लाई कीजिए वही थीम, इधर सब कुछ इनेबल कीजिए, देन आपको इधर से कलर को सही सिलेक्ट करना है, देन आपको इधर से जाकर बिल्ड एंड इनेबल में फिर एक बार क्लिक करना है। तो आपको फिर एक बार लोडिंग होगा सब कुछ, देन सिस्टम यूआई रिबूट होगा, तो उसके बाद अप्लाई हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप पहला टाइम जब इंस्टॉल करने जाओगे तो आपको इस तरह का एक प्रॉब्लम आ सकता है, एक टाइम चांस में आपके ऊपर थीम अप्लाई ना भी हो सकते हैं। तो कुछ टाइम एक बार की दो बार रिस्टार्ट करने पर ये ठीक हो जाता है। तो देख सकते हैं फ़ोन रिबूट हो चुका है, तो मैं फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाएगा तो इधर आपको अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको डिस्प्ले के अंदर आना है, डिस्प्ले के एडवांस में जाएंगे तो इधर देखेंगे आपका डिवाइस थीम का ऑप्शन आ चुका है। तो इधर में जाकर आपका मुताबिक थीम इधर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट जो थीम था वो इधर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, देखें एकदम ब्लैक हो चुका है। मैं अगर फिर डिस्प्ले में जाऊँ और इधर से डिवाइस थीम के अंदर से चेंज कर लेता हूँ, यूरेनियम जो पहले सिलेक्ट किया था उसका कलर इधर आ चुका है। उसके साथ सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स का भी चेंज हो चुका है, देख सकते कंप्लीट डार्क हो चुका है। उसका साथ अगर आप फाइल मैनेजर में जाओगे तो फाइल मैनेजर भी इधर डार्क है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट थीम भी आपका फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट थीम अप्लाई करने के लिए आपको सबस्टेटम थीम में जाकर इसको इनेबल करना है, देन आपको इधर का कलर सिलेक्ट करना है, आप कौन सा कलर लेना चाहते हो आपका टेक्स्ट एंड आइकॉन के लिए, देन बैकग्राउंड में जाकर आपको इधर ट्रांसपेरेंट कर देना है। नेक्स्ट आपको इधर सब कुछ देख लेना है सब कुछ ठीक ठाक है क्या। सेटिंग्स में जाकर डिफ़ॉल्ट से इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, इसको भी जाएंगे तो आपको इधर ट्रांसपेरेंट कर देना है। और इधर जो आई एक इंडिकेशन है इसमें जाओगे तो आपको इधर दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ट्रांसपेरेंट ये सब सिलेक्ट करना है बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। तो सब कुछ में आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर लीजिए, देन इधर से जाकर इसको बिल्ट एंड इनेबल कर दीजिए। देन फोन को अनलॉक कीजिए, आप सेटिंग्स में अंदर जाइए एंड डिस्प्ले के अंदर जाकर इधर से आप डिवाइस थीम में जाकर देख सकते हैं अभी तक नहीं है, तो एक बार आपको फ़ोन को देन रिबूट कर लेना है। देन फोन को अनलॉक कीजिए, देन सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आकर आपको डिस्प्ले के अंदर जाकर इधर से आपको डिवाइस थीम में जाओगे तो इधर आपको ट्रांसपेरेंट थीम को देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करने पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो हल्का से इधर दिखाई दे रहा है। आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो का लास्ट तक हमारा साथी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और उसके साथ ये वीडियो रिलेटेड कुछ भी जानने का जरूरत हो तो या कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का 100% सबसे पहला आंसर देने का ट्राई करूंगा। उसके साथ चैनल में नया होने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बजा दीजिए मेरा आने वाली वीडियो का इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। उसके साथ फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाकर आप ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं, नहीं तो आप मेरा पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, उधर आप काफ़ी सारी अपडेट मिलते रहता है। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा एंड बाय बाय, सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब सब्सक्राइब।